आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट और मेंटेन कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आपकी बेस कर रहा होता है आपके डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स के ऊपर। जो भी आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स हैं उन्हीं के बेस पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने का, उसमें ये होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग्स हैं हमने उनके ऊपर हेडिंग स्टाइल अप्लाई करने है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ओपन है जिसमें मेरे पास इसके आ रहे हैं 4 पेजेस। तो ये जो 4 पेजेस का मेरा डॉक्यूमेंट है इसी का मैंने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास टाइटल आएगा उसके ऊपर मैंने हेडिंग 1 अप्लाई करनी है। जो मेरी मेन हेडिंग्स होगी उनके ऊपर हेडिंग 2 अप्लाई करूँगी एंड देन जब फर्दर आती जाएंगी तो हेडिंग 3 एंड हेडिंग 4 में स्टाइल्स उनके ऊपर अप्लाई करूँगी। तो ये मेरे पास टाइटल है इंट्रोडक्शन, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी एंड देन आपको होम टैब में ही नज़र आएगा स्टाइल्स की ऑप्शन। इसमें आपको नज़र आएगा हेडिंग 1, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका ब्लू कलर आ गया और ये साइड पे हो चुका है, बट चूँकि मुझे जो मेन हेडिंग है या मेरा जो मेन टाइटल है मैंने उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 16 रखना है और उसको एरियल रखना है, बट यहाँ पे ये 16 नहीं लग रहा मुझे और एरियल भी नहीं लग रहा और इसका जो फॉन्ट का कलर है मुझे ब्लैक ही रखना है। तो मैं क्या करूँगी, हेडिंग 1 तो यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया है, इसके मैं राइट क्लिक करूँगी एंड देन मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करूँगी। देन जब मैंने मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर लिया है तो यहाँ से आप स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ बोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कलर्स को चूज़ कर लें, कलर यहाँ से आप इसको ब्लैक चूज़ कर रही हूँ मैं। देन मुझे बोल्ड ही करना है और मुझे इसका साइज़ जो है वो 16 रखना है और इसको एरियल करना है क्योंकि मैं जो टाइटल है उसकी रिक्वायरमेंट यही थी कि उसका फॉन्ट साइज 16 होना चाहिए, एरियल होना चाहिए और बोल्ड होना चाहिए और उसका कलर ब्लैक होना चाहिए और उसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में होनी चाहिए और जो उसकी स्पेसिंग है उसको मैं यहाँ से सेंटर वाले को चूज़ कर रही हूँ कि इंट्रोडक्शन के बाद जो मेरी हेडिंग्स हैं उनमें स्पेसिंग आए। तो अब मैंने इसको कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास मेन और फॉर्मेट आप कर सकते हैं बट मुझे इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, देन मैं ओके के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर लिया 1 के ऊपर। आप एक और काम कर सकते हैं, आप ये हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं 2 वेज़ में। फर्स्ट ये है कि आप डॉक्यूमेंट को कंप्लीट डॉक्यूमेंट रेडी कर लें और डॉक्यूमेंट के रेडी करने के बाद आप होल डॉक्यूमेंट के ऊपर ये स्टाइल्स अप्लाई करें, बट इजीएस्ट वे है ये है कि आप डॉक्यूमेंट के क्रिएशन के दौरान ही अपनी हेडिंग्स को स्टाइल्स देते रहें। तो इससे ये होगा कि आपको ईजिली हेडिंग्स का स्टाइल भी आप दे लेंगे, आपका वर्क ईजी हो जाएगा और टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में भी आपको ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग 1 तो हो चुकी है मेरी, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हेडिंग 2 आ रही है क्योंकि ये 1 था, ये 1.1 मेरी हेडिंग 2 है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी यहाँ से और इसके ऊपर मैं हेडिंग 2 अप्लाई कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे इसका जो है स्टाइल उसको भी चेंज करने में मॉडिफाई करूँगी, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, मुझे ये इटैलिक नहीं चाहिए तो यहाँ से इटैलिक को मैं अनचेक कर देती हूँ। देन ये मुझे सेंटर में नहीं चाहिए और इसका एरियल ही है, इसके ऊपर मैं ओके कर देती हूँ। तो ये मेरे पास हेडिंग 2 जो है वो हो चुका है। अब मैं होल डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स के ऊपर ये स्टाइल्स अप्लाई करूँगी, ये भी मेरे पास हेडिंग 2 है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ और ये स्पेस इसकी रिमूव कर लेती हूँ। 1.3 है, ये भी मेरी हेडिंग 2 है। 1.4 भी मेरे पास ये हेडिंग 2 है, मींस के जो मेरा टाइटल था उसको मैं हेडिंग 1 रख रही हूँ, बाकी जितनी भी हेडिंग्स हैं इनको हेडिंग 2 का स्टाइल अप्लाई कर रही हूँ इनके ऊपर। तो इसके ऊपर भी मैं हेडिंग 2 अप्लाई कर लेती हूँ और जो स्पेसिस आ रही है इनको मैं रिमूव कर रही हूँ। अब यहाँ पे 1.6 जो है ये भी मेरे पास क्या है, हेडिंग 2 है, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लूँगी और इसके ऊपर मैं हेडिंग 2 अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे आप नीचे नोटिस करेंगे 1.6 जो है वो मेरे पास हेडिंग 2 है, नीचे मेरे पास आ रहे हैं 1.6.1, मीन्स के 1.6 का ये सब हेडिंग है। तो मैं ये जो हेडिंग है ये कौन सी होगी, ये आपके पास हेडिंग 3 हो जाएगी, इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करके हेडिंग 3 कर रही हूँ। देन 1.6.2 भी मेरे पास हेडिंग 3 है, इसको भी मैं कर लेती हूँ। देन ये वाली भी मेरे पास हेडिंग 3 हो जाएगी और ये वाली भी मेरे पास हेडिंग 3 है। सिंपली आपने सिलेक्ट करना है और हेडिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आप इसका स्टाइल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं, उसका स्टाइल का फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज वगैरह इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 1.7, मीन्स कि ये मेरे पास हेडिंग 2 है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगी और हेडिंग 2 इसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी। फर्दर नीचे मूव करते हैं, ये मेरे पास जो डिज़ाइन फेज है ये मेरे पास क्या है, ये हेडिंग 3 है। देन ये वाली भी मेरे पास हेडिंग 3 हो चुकी है, सिलेक्ट करूँगी और इसके ऊपर मैं हेडिंग 3 के ऊपर क्लिक कर लूँगी। आपने होल डॉक्यूमेंट में यही काम करना है, हेडिंग्स अप्लाई करनी है अपने डॉक्यूमेंट पे, देन ही आप इसके ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑडियो प्रोटेक्शन है, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और हेडिंग 3 इसके ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ।
हेडिंग 3 हो चुकी है और लास्ट हेडिंग है 1.8 है, मीन्स कि ये मेरे पास हेडिंग 2 है। सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे हेडिंग 2 के ऊपर क्लिक कर दूँगी। तो यहाँ तक जो है मेरे होल डॉक्यूमेंट पे हेडिंग स्टाइल्स अप्लाई हो चुकी है, मीन्स के मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वो कम्प्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप आपका यही था कि आपने होल डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडिंग स्टाइल्स अप्लाई करने थे। तो मेरे पास यहाँ पे स्टाइल्स अप्लाई हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने है आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। मैंने जो है फर्स्ट पेज पे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपने रेफरेंसेस टैब के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप में नज़र आएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो नज़र आएगा। इसमें आपके पास ऑटोमेटिक टेबल 1 और ऑटोमेटिक टेबल 2 के नेम से बिल्ट इन जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो और है। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ कंटेंट्स और यहाँ पे लिखा हुआ टेबल ऑफ कंटेंट्स, मीन्स के सिर्फ हेडिंग्स में डिफरेंस है, अदरवाइज जो हेडिंग्स हैं और जो इनका स्टाइल्स है वो सेम है। तो मैं यहाँ से ये चूज़ कर लेती हूँ सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि ऑटोमेटिक टेबल 2 वाले को, जो ही मैं वहाँ से सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो क्रिएट हो चुका है। टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने से होता ये है कि आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। आपके डॉक्यूमेंट का जितना मर्जी साइज़ ज़्यादा हो जाए आप इजीली यहाँ पे किसी भी अपनी हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और आप इजीली उस जगह पे अपने डॉक्यूमेंट के उस सेक्शन पे पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है मैंने उसको ओपन करना है, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल और क्लिक प्रेस करेंगे तो आप उस सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। तो ये मेरे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट तो आ चुका है। अब अगर आपके पास जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे क्या हैं कि आप ऑटोमेटिक टेबल्स वगैरह ले सकते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट्स मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट्स जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ेगा जो आपकी हेडिंग्स हैं और टाइटल्स वगैरह, बट मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ और अपने प्रीवियस फॉर्म पे आ रही हूँ। मेरा जो पहले वाला टेबल ऑफ कंटेंट है ये ऑटोमेटिक वाला बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। अब अगेन मैं टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ और कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ शो पेज नंबर्स। अगर आपको ये पेज नंबर्स चाहिए तो आपने इसको चेक मार्क करना है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगी तो आप यहाँ से प्रीव्यू में देख सकते हैं कि मेरे जो पेज नंबर है वो रिमूव हो चुके हैं, बट मुझे यहाँ पे ये चाहिए। और राइट अलाइन पेज नंबर्स है, मीन्स के पेज नंबर्स जो हैं वो आपके अलाइनमेंट जो होगी वो राइट साइड पर होगी। देन आती है आपके पास टैब लीडर की ऑप्शन। तो टैब लीडर क्या है कि आपके पास ये जो डॉट्स आ रहे हैं मीन्स के हेडिंग है और पेज नंबर के सेंटर में ये जो डॉट्स हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो टैब लीडर को चेंज करने के लिए आपने इसके ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको चूज़ कर सकते हैं कि आपको लाइन्स चाहिए, आपको डॉट्स की शेप चाहिए और आप नन भी कर सकते हैं, बट मुझे जो मेरा डिफ़ॉल्ट है मुझे वही रिक्वायर्ड है। सारी आती है जनरल की, इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स मीन्स कि आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम टेम्पलेट। मैंने जो टेम्पलेट चूज़ की हुई थी वो ऑटोमेटिक टेबल 2 था, ये उसी के टेम्पलेट ले रहा है। यहाँ पे अबव पे आपको इसका प्रीव्यू भी नजर आएगा। आपने अगर इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आपके इसके ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर्मेट डिफरेंट यहाँ पे अवेलेबल है। क्लासिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसका यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। देन आपके पास आता है डिस्टिंक्टिव, आता है फैंसी, आता है मॉडर्न आ गया, फॉर्मल हो गया है और यहाँ पे आपके पास सिंपल हो गया है। तो अगर आपको यहाँ से अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी इजीली चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बट मुझे यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो फ्रॉम टेम्पलेट ही मैं रहने दूंगी। जो आप ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसके जो लेवल्स हैं वो 3 लेवल्स तक जाता है, मीन्स के हेडिंग 1 जो होगी आपके डॉक्यूमेंट में वो टेबल ऑफ कंटेंट में शो होगी, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 तक। अगर आपने हेडिंग 4 अप्लाई की हुई है तो टेबल ऑफ कंटेंट में वो नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट में आपकी हेडिंग जो 4 है वो भी आए तो आपने क्या करना है, सिंपली शो लेवल्स पे यहाँ पे आप लेवल ऑफ 4 को 4 का या 5 का जो भी आप चाहते हैं आप यहाँ से सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट में वहाँ तक हेडिंग्स ऐड हो जाएंगी। बट चूँकि मैंने अपने हेडिंग्स जो है वो 3 लेवल तक ही ऐड की हुई हैं
तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं 3 levels ही रहने दूंगी। एंड देन आप यहाँ पे देखेंगे कि यूज़ हाइपरलिंक्स इंस्टेंट ऑफ पेज नंबर्स लिखा हुआ है और ये चेक मार्क भी है। तो ये इसीलिए चेक मार्क्ड है क्योंकि जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मैं पेज के डॉक्यूमेंट के उस सेक्शन पर मैं पहुँच सकूँ, ये हाइपर लिंक की तरह काम करेगा, तो इसको मैंने चेक मार्क रहने दिए। देन आप मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं टेबल ऑफ कंटेंट के। आपने सिंपली करना क्या है कि यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, टेबल 2 है यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट 2 अगर चूज़ करेंगे तो उसका यहाँ पे आपको सैम्पल नज़र आएगा, 12 पॉइंट है और यहाँ पे आपको उसकी इंडेंटेशन नज़र आएगी, लाइन स्पेसिंग नज़र आएगी और उसका जो साइज़ है वो नज़र आएगा। आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं, जो आप अपना जो कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स है आप यहाँ से उसको भी क्रिएट कर सकते हैं, बट इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। देन ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके तो आप यहाँ से भी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अगर आप कस्टम बनाना चाहते हैं, बट मुझे कस्टम रिक्वायर्ड नहीं है, ऑटोमेटिक ठीक है। और इसी में आप डिफरेंट यहाँ पे लेवल्स इंक्रीज कर सकते हैं। देन मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। यहाँ से आप इस तरह से ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप अपडेट कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट में मैं न्यू टेक्स्ट जो है वो ऐड करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.7 जो है मेरी जो हेडिंग 2 है फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट वो पेज नंबर 3 पे आ रहे हैं, ठीक। बट इसको मैं मूव कर देती हूँ पेज नंबर 4 पे। आप यहाँ पे न्यू डाटा भी इंटर कर सकते हैं किसी भी जगह पे, बट इसको मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे मैं पेज ब्रेक कर रही हूँ। तो मेरे पास जो डाटा था वो ऑलरेडी पेज नंबर 3 जो है वो ब्लैंक हो चुका है और पेज नंबर 4 पे ही मूव हो चुका है। आप अपने डॉक्यूमेंट में जब न्यू डाटा ऐड करेंगे तब भी आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्या होगा, एक्यूरेट रहेगा। तो कैसे होगा, आप सिर्फ अपडेट करेंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 3 पे आप देख सकते हैं मेरा पेज जो है वो ब्लैंक है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे तो यहाँ पे फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट 3 पे आ रहे हैं, बट अब फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट जो है लेटेस्ट जो है वो 4 पे आ रहे हैं, पेज नंबर 4 पे। तो अब इसको मैं अपडेट कैसे करूँगी, आपने सिंपली इसी जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अपडेट टेबल की। आप अपडेट टेबल की ऑप्शन आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है और आपको रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट्स के ग्रुप में अपडेट टेबल की यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, सेम ही चीज़ है। तो मैं यहाँ से अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जिसमें 2 रेडियो बटन्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अपडेट पेज नंबर्स ओनली। इसमें क्या होगा कि अगर आप इसको चेक मार्क करके करेंगे तो आपके जो नंबर्स हैं ओनली वही अपडेट होंगे, बट अगर आप न्यू डाटा इंटर कर रहे हो, न्यू हेडिंग्स इंटर कर रहे हो, तो फिर क्या होगा कि अगर आपने डाटा में हेडिंग्स वगैरह एंटर की हुई हैं तो अब आपको इंटायर टेबल को करना होगा। बट यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि कोई हेडिंग वगैरह ऐड नहीं की थी, ओनली मैंने पेज नंबर्स को ही अपडेट करना है। बट जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये होती है कि आप अपडेट कर लो इंटायर टेबल को, तो आपके एरर जो है वो नहीं होंगे। अपडेट पेज नंबर्स ओनली को मैंने चकमा किया हुआ एंड देन मैं ओके करूँगी, तो अब आप नोटिस करेंगे कि पेज नंबर 3 पे मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में पेज नंबर 3 नहीं आ रहा क्योंकि पेज नंबर 3 मेरा ब्लैंक है, उसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं है। तो इस तरह से आप अपने टेबल को अपडेट भी कर सकते हो इजीली। अब रिमूव कैसे कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, तो टेबल ऑफ कंटेंट को आप इजीली रिमूव भी कर सकते हो। तो रिमूव करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको नजर आएगी रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो इजीली रिमूव भी हो जाएगा। बट मुझे ये रिक्वायर्ड था तो मैं कंट्रोल जी अप्लाई करूँगी और मेरा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो वापस आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपने ये सीख लिया किस तरह से आप हेडिंग स्टाइल्स अप्लाई करेंगे, आप किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, आप टेबल ऑफ कंटेंट में मॉडिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, आप टैब लीडर्स को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, आप लेवल्स किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग 4 या हेडिंग 5 तक लेवल्स लेके आने हैं तो आप वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं, आप ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और मैन्युअली किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आप कस्टमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को, और देन आप रिमूव किस तरह से कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट।